दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल नागियास लर्निंग अड्डा पर। आज की इस क्लास में हम शिक्षा मनोविज्ञान की बात करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में एक तो हम जानेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास। शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास, शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास, शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास क्या है, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। उसके बाद हम इसमें जानेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ और परिभाषाएं। इसके बाद क्या जानेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषाएं, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ और परिभाषाएं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास क्या है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों अलग अलग चीज़ें थी। हमने आज की इस क्लास में शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ना है, लेकिन इससे पहले हम मनोविज्ञान को पढ़ चुके हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा प्लस मनोविज्ञान। शिक्षा अलग चीज़ थी एजुकेशन, और मनोविज्ञान होता है साइकोलॉजी। तो इस शिक्षा के अंदर मनोविज्ञान आया कैसे, इसके इतिहास से हमें पता चलता है कि अगर हम इतिहास जाने ना दोस्तों, तो रूसो नाम के मनोवैज्ञानिक का नाम आपने सुना होगा। रूसो जो थे एक मनोवैज्ञानिक थे, और उन्होंने एमिली नाम की एक पुस्तक लिखी थी, और जिसमें कहा था कि बालक एक पुस्तक है जिसे प्रत्येक शिक्षक को पढ़ना चाहिए। तो रूसो ही वो मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले जो है शिक्षा मनोविज्ञान की बात की थी, या मनोविज्ञान में, शिक्षा में मनोविज्ञान को लाने का कार्य किया था। तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में दोस्तों 19वीं शताब्दी में मानी जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की अनेक शाखाएं, तो शिक्षा मनोविज्ञान भी क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान भी मनोविज्ञान की एक शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो है ये किस सदी में मानी जाती है, 19वीं सदी में मानी जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 19वीं सदी में मानी जाती है, और शिक्षा के अंदर जो है मनोविज्ञान लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, शिक्षा में मनोविज्ञान को लाने का श्रेय रूसो को दिया जाता है। रूसो ने एक पुस्तक लिखी थी एमिली, रूसो ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम क्या था, एमिली। इस पुस्तक में इन्होंने एक कथन कहा था कि बालक एक पुस्तक है, बालक एक पुस्तक है, बालक एक पुस्तक है जिसे प्रत्येक शिक्षक को पढ़ना चाहिए, जिसे प्रत्येक शिक्षक को पढ़ना चाहिए, शिक्षक को पढ़ना चाहिए। बालक एक पुस्तक है जिसे प्रत्येक शिक्षक को पढ़ना चाहिए, ये किसने कहा था दोस्तों, एमिली नामक की पुस्तक में कहा था, और रूसो ने कहा था। और अगर अपने से प्रश्न ये पूछा जाए कि शिक्षा के अंदर मनोविज्ञान की प्रवृत्ति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ये रूसो थे। शिक्षा के अंदर मनोविज्ञान प्रवृत्ति लाने का श्रेय जो है वो रूसो को दिया जाता है। रूसो ने एक एमिली नाम की पुस्तक लिखी थी जिसमें ये कहा था कि बालक एक पुस्तक है जिसे प्रत्येक शिक्षक को पढ़ना चाहिए। यानी कि 1920 में इसको, 19वीं शताब्दी में तो इसकी जो है उत्पत्ति मानी जाती है, लगभग 1920 में इसको एक स्वतंत्र विषय माना जाने लगा था, शिक्षा मनोविज्ञान की एक मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में। जैसे मनोविज्ञान को हमने स्टार्टिंग की क्लासेस में, आपने नहीं पढ़ा तो उसको एक बार पढ़ लें, मनोविज्ञान की अनेक शाखाएँ हैं, तो उसमें से एक शिक्षा मनोविज्ञान भी है, और इसकी उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में मानी जाती है, और पूर्ण रूप से एक विषय के रूप में 1920 में आया था। इसका श्रेय जो है रूसो को दिया जाता है। प्रश्न कुछ इस तरह से बनता है कि शिक्षा के अंदर मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है।
शिक्षा के अंदर मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय रूसो को दिया जाता है। रूसो ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम क्या था? रूसो ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था एमिली। और इस पुस्तक में उन्होंने कहा था कि बालक एक पुस्तक है जिसे प्रत्येक शिक्षक को पढ़ना चाहिए। तो ये जो है ना, शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ से, सॉरी, मनोविज्ञान के इतिहास से रिलेटेड एक बात है। यहाँ पर आपको एक मारिया मोंटेसरी का कथन भी याद रखना चाहिए। मारिया मोंटेसरी का एक कथन आपको याद रखना है। का कथन, क्या कथन है? कि शिक्षक को जितना मनोविज्ञान का कथन यहां पर लिखते हैं कि शिक्षक को जितना प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का ज्ञान होगा उतना ही अधिक वह जान पाएगा कि कैसे पढ़ाया जाए। ठीक है, ये मारिया मोंटेसरी का एक कथन है। इसको आपको याद रखना है कि शिक्षक को जितना प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का ज्ञान होगा उतना ही अधिक वह जान पाएगा कि कैसे पढ़ाया जाए। ये कथन किसका है? मारिया मोंटेसरी का। तो कथन इंपॉर्टेंट होते हैं साइकोलॉजी में। आपको दो कथन याद रखने, ये वाला कथन तो किसका था? ये वाला कथन, तो ये वाला, बालक एक पुस्तक है जिसे प्रत्येक शिक्षक को पढ़ना चाहिए, ये कथन रूसो का है। और शिक्षक को जितना प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का ज्ञान होगा उतना ही अधिक जान पाएगा कि कैसे पढ़ाया जाए, ये मारिया मोंटेसरी का कथन है। और एक बार फिर इससे शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास को जान लेते हैं। रिवीजन में थोड़ा सा कर लेता हूं, मैं चाहता हूं कि इसी क्लास में आपको याद हो जाए। तो थोड़ा सा एक बार फिर सुन लो, फिर हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ और परिभाषा की। तो दोस्तों, शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आपको पता है कि शिक्षा क्या होती है? शिक्षा एजुकेशन है। और मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान साइकोलॉजी है। मनोविज्ञान साइकोलॉजी है और शिक्षा एजुकेशन है, दोनों अलग अलग चीज़ें थीं 19वीं शताब्दी से पहले तक। लेकिन 19वीं शताब्दी में जो है मनोविज्ञान को शिक्षा के अंदर लाया गया, और मनोविज्ञान को शिक्षा के अंदर लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? रूसो को दिया जाता है। रूसो ने एमिली नाम की एक पुस्तक लिखी थी जिसमें लिखा था कि बालक एक पुस्तक है जिसे प्रत्येक शिक्षक को पढ़ना चाहिए। मारिया मोंटेसरी का भी कथन आपको याद रखना चाहिए कि शिक्षक को जितना प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का ज्ञान होगा उतना ही अधिक वह जान पाएगा कि कैसे पढ़ाया जाए। तो यहाँ पर अपने को जो है किसको देखना है? यहाँ पर अपने को देखना है कि इससे रिलेटेड किस टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर दो प्रश्न बनेंगे, दो या तीन मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप इन प्रश्नों को ध्यान रखें। जैसे पहला क्वेश्चन ये है कि बालक एक पुस्तक है। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, बालक एक पुस्तक है जिसे प्रत्येक शिक्षक को पढ़ना चाहिए, जिसे प्रत्येक शिक्षक को पढ़ना चाहिए। ठीक है, बालक एक पुस्तक है जिसे प्रत्येक शिक्षक को पढ़ना चाहिए, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? इस तरह का कथन आए तो आपको पता ही है कि ये कथन किसका है? रूसो का है। ऐसे ही मैं दूसरा कथन नहीं लिख रहा, क्योंकि मैं पहले लिख चुका हूँ कि शिक्षक को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जितना अधिक ज्ञान होगा उतना अधिक वह जान पाएगा कि कैसे पढ़ाया जाए, ये कथन किसका है? मारिया मोंटेसरी का है। इसी तरह जो अगला प्रश्न ये भी बन सकता है कि एमिली नाम की पुस्तक किसने लिखी थी? तो रूसो ने लिखी थी। ये प्रश्न बन सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसकी उत्पत्ति कब मानी जाती है? तो 1920 में मानी जाती है, लेकिन शुरुआत कब से हुई थी? 1919वीं शताब्दी में हुई थी। एक प्रश्न ये बन सकता है कि शिक्षा के अंदर मनोविज्ञान की प्रवृत्ति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों, शिक्षा के अंदर मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय रूसो को दिया जाता है। तो ये सारी बातें जो थी ये शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास से रिलेटेड थी। अब हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ
और इसकी परिभाषाएं। तो यहाँ पर हम इस क्लास में जानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ। तो दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ आपको पता ही है कि शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान को शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त मनोविज्ञान को भी शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। तो कोई डेफिनेशन इसकी मुश्किल नहीं है, लिख ही लेते हैं अपने यहाँ पर कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, कि शिक्षा मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान को अपन शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। एक डेफिनेशन और हो सकती है इसकी कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त मनोविज्ञान, शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त मनोविज्ञान को भी हम क्या कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। तो दोस्तों, ये है इसका शाब्दिक अर्थ। और भी इसका एक अर्थ निकल कर आता है सामने कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन। लेकिन किन परिस्थितियों में, शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन, ये पहली बात होगी। और किन परिस्थितियों में, शैक्षिक परिस्थितियों में, ये परिभाषा, ये अर्थ उल्टा सीधा कैसे भी पूछा जा सकता है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, पहले शैक्षिक परिस्थितियों में बोल दो, पहले इसको बोल दो, फिर इसको बोल दो, कि शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन, उसको शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं, या फिर शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान को शैक्षिक मनोविज्ञान कहते हैं, या शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं, या फिर शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त मनोविज्ञान को शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। तो ये हुआ इसका शाब्दिक अर्थ, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। और शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है। मनोविज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, उसमें से शिक्षा मनोविज्ञान भी एक शाखा है। और इसमें शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान है, या शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त मनोविज्ञान है, या मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। किन परिस्थितियों में, शैक्षिक परिस्थितियों में, या फिर हम इसको पहले बोल दें और इसको बाद में बोल दें कि शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन जो है उसको हम शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। तो इसके बाद दोस्तों, हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाओं की। उम्मीद है चीज़ें समझ आ रही हैं आपको। तो अब हम बात किसकी करेंगे, अब हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाओं की। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे स्किनर की। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं दोस्तों स्किनर, बीएफ स्किनर पूरा नाम है, बोरिस फ्रेडरिक स्किनर इनका पूरा नाम कह सकते हैं आपने, बीएफ स्किनर शॉर्ट में बोलते हैं, पूरा नाम है बीएफ बोरिस फ्रेडरिक स्किनर। इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान की क्या परिभाषा दी है, ये कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और सीखने से संबंधित है, जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है, सीखने से संबंधित है। और ये परिभाषा दोस्तों, अगर आप 2011 से लेकर 2022 तक
कि शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के पेपर देखोगे ना आप, पुराने पेपर देखोगे आरपीएससी की साइट पर हैं, और मैं भी इन्हीं से आरपीएससी की साइट से मैंने सारे पेपर डाउनलोड कर रखे हैं और उनके आंसर की भी वहाँ से डाउनलोड कर रखी है। प्रत्येक टॉपिक को, टॉपिक से मैंने अलग अलग चुने हैं क्वेश्चन कि शिक्षा मनोविज्ञान से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मनोविज्ञान से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, अधिगम से कौन क्वेश्चन पूछे गए, उनको अलग किया है, कैटेगरी वाइज अलग किया है मैंने 2011 से 2022 तक। जैसे इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था मनोविज्ञान, और जैसे वो टॉपिक खत्म हुआ था 2011 से 2022 के बीच में कौन कौन से शिक्षक भर्ती परीक्षा में मनोविज्ञान से प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे मैंने करवाए हैं। आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके देख लें। इसी तरह शिक्षा मनोविज्ञान जब टॉपिक खत्म होगा तो इससे रिलेटेड 2011 से 2022 के बीच जितनी भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हुई हैं उसमें शिक्षा मनोविज्ञान से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को मैं आपको करवाऊंगा। तो मैं बात कर रहा हूं इस डेफिनेशन की, ये डेफिनेशन 2011 से लेकर 2022 तक लगभग 5 बार पूछी गई है कि ये परिभाषा, ये कथन पूछा गया, ये परिभाषा पूछी गई कि ये किसके द्वारा दी गई है। लगभग 5 बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और सीखने से संबंधित है, मनोविज्ञान की ये परिभाषा किसने दी। तो दोस्तों इसका आंसर स्किनर होगा। उसके बाद हम दूसरी परिभाषा की बात करते हैं जो क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई है। क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो, इन्होंने कौन सी परिभाषा दी शिक्षा मनोविज्ञान की? ये कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान, ये कहते हैं कि शिक्षा शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर, जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक, मतलब मृत्यु तक का मतलब वृद्धावस्था तक, मृत्यु के बाद तो क्या होगा इसको थोड़ा सा अपन सही कर लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी, सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन, अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है, वर्णन एवं व्याख्या करता है। ये परिभाषा है दोस्तों क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई। ये परिभाषा भी एक दो बार पूछी गई है शिक्षक भर्ती परीक्षा में कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो दोस्तों ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ये परिभाषा जो है क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई है। इसके बाद अलग अलग परिभाषाएँ और भी हैं। यहाँ पर दो परिभाषाओं को एक बार रट्टाफिकेशन कर लो, आप समझ लो कि शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वो शाखा है जो शिक्षण और सीखने से संबंधित है, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई? स्किनर के द्वारा। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई? ये परिभाषा क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई। एक तीसरी परिभाषा और देख लेते हैं जो पील नाम के मनोवैज्ञानिक ने दी थी। इन पील नाम के मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। इनकी डेफिनेशन भी पूछी गई है, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, शिक्षा का विज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई? पील के द्वारा दी गई। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास क्या है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। यहाँ पर हमने अर्थ देखा। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं अब शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। तो तीन मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई परिभाषा हमने देख ली। स्किनर ने क्या कहा शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में, और पील ने क्या कहा शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ताकि कोई डेफिनेशन छूटे नहीं। तो अब हम बात करते हैं किसकी? स्टीफन की। स्टीफन ने क्या कहा
स्टीफन भी एक मनोवैज्ञानिक है, हालांकि इनके द्वारा दी गई परिभाषा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ज़्यादा फोकस करना है स्किनर और क्रो एंड क्रो पर। ये कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान बालक, ये कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान बालक के शैक्षिक विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान बालक के शैक्षिक विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। इसके बाद दोस्तों एक मनोवैज्ञानिक और हैं, काल्सनिक ने भी शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा दी है, इसको भी देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक खोजों का शिक्षा में व्यवहारिक प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। राइटिंग, हैंड राइटिंग थोड़ी सी बिगड़ गई है, लेकिन मैं साथ साथ बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ। सबसे पहले स्टीफन की बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान बालकों के शैक्षिक विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। काल्सनिक कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक खोजों का शिक्षा में व्यवहारिक प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। तो दोस्तों ये शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं होगी। अगले क्लास में जो है हम क्या पढ़ेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति पढ़ेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र पढ़ेंगे, उसके बाद और भी शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, और अंत में हम शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो अच्छे से वीडियो का आनंद लीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कंटिन्यू आपके लिए क्लासेस चलेंगे, बीच में किसी कारण से कोई क्लास किसी दिन नहीं हो पाती है तो अगले दिन हो पाएगी। नमस्कार, अगली क्लास में फिर मिलते हैं।